करते थे जागते रहो जागते रहो। अब चौकीदार पूरे हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों का पैसा अमीरों को दे के कहते हैं भागते रहो भागते रहो भागते रहो। हम तो सोचे थे चौकीदार निकलेगा चौकन्ना, ये निकला बिल्कुल निकम्मा। और आज मोदी साहब जाने जाएंगे पकौड़ा योजना और भगौड़ा योजना के लिए, और खुद भगौड़े हो गए, मुद्दों से भाग रहे हैं। एक मिनट रुक जाए, मुद्दों से भाग रहे हैं। अब 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं होती, अब गंगा साफ करने की बात नहीं हो रही, उन 364 संकल्पों की बात नहीं हो रही, 15 लाख रुपए जो गरीब की जेब में डालने थे उनकी बात नहीं हो रही, अब राष्ट्रवाद की शरण में चले गए हैं मोदी जी। और राष्ट्रवाद ये कह सकते हैं, राष्ट्रवाद जिन्होंने सारी सरकारी कंपनियां मार के अंबानी और अडानी को लुटा दी। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इन्होंने BSNL को मार के 5,50,000 करोड़ रुपए की कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है 4G जो सरकारी का होना चाहिए था, सरकार को मुनाफा आना चाहिए था, वो जियो दंदनादन को दे दिया। और फोटो खिंचाई एडवर्टाइजमेंट की, दंदनादन दंदनादन दन। नोटबंदी रात को अनाउंस की, सवेरे पेटीएम के साथ फोटो खिंचाई। आज मोदी जी को बताना चाहता हूं, राष्ट्रवाद की बात करते हो मोदी साहब तो सुनो, इस देश के ऊपर 64 साल में 50 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, तुम्हारे 4.5 साल में 32 लाख करोड़ कर्जा बना दिया तुमने। पहले 1 साल में औसतन 60 से 70 हजार करोड़ रुपया कर्जा बढ़ता था, अब तुम्हारे इस कार्यकाल में 6 लाख से ऊपर प्रति साल भारत के सर के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। तुमने बड़ी बड़ी संस्थाएं DRDO HAL जो फौज के निर्माण के लिए मशहूर मानी जाती थी, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, जिन्होंने आकाश बनाई, ये सब मिसाइल्स हैं, जिन्होंने अग्नि बनाई, उनके हक को मार के 60-60 हजार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट तुमने अंबानी और अडानी को दे दिए। मिसाइल बनाने के कॉन्ट्रैक्ट तुमने अंबानियों को दे दिया, अडानियों को दे दिया। तुमने इनको 1240 एकड़ जमीन 40 करोड़ की थी सीमेंट प्लांट लगाने के लिए, और इन्होंने 5000 करोड़ की बेच दी बगैर सीमेंट प्लांट लगाए। तुम इन बातों से मुकरते हो। 17 लाख करोड़ रुपया NPA हो गया है कि सरकारी बैंकों का पैसा लेके अमीर भाग गए। सुप्रीम कोर्ट ने बाजू मरोड़ के सारा श्री से पैसे लिए वापस। सुप्रीम कोर्ट ने ही अंबानी को घूरा, अंबानी ने 5000 करोड़ वापस किए। क्या बात है कि 17 लाख करोड़ रुपए लेके ये चले गए, सिर्फ सरकारी बैंक ही है, प्राइवेट बैंक से 10% रुपया गया है। दोनों पार्टियों ने कर्जे माफ किए हैं, तुमने अमीरों के 3,25,000 करोड़ माफ किए इंसेंटिव के नाम पे, और कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपया गरीब किसानों का माफ किया है। तुम बात करते हो राष्ट्रभक्ति की, ये आंकड़े हैं मेरे पास मोदी साहब, ये आंकड़े हैं मेरे पास। पेटीएम मुनाफे में SBI डूब रहा है, जियो मुनाफे में BSNL डूब रहा है, प्राइवेट एयरलाइन मुनाफे में और इंडियन एयरलाइंस डूब रही है। तुम बता दो, तुम ही कहते थे ना, ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा। अरे जम के खाया और डट के खिलाया, तुमने ठोक के लूटा और किसी ने विरोध किया तो तुमने डट के कूटा। तुमने लोकतंत्र को डंडा तंत्र बना दिया, खुंडा तंत्र बना दिया, ट्रोल तंत्र बना दिया, भय तंत्र बना दिया। भय के ऊपर राज कर रहे हो तुम। पहले हिंदुस्तान गोरे अंग्रेजों से लड़ा था जो इस देश को डिवाइड करते थे और राज करते थे, और ये देश वोट डालेगा काले अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए। तुमने इस देश को अमीरों का गुलाम बना दिया, 99% घरों के बाहर चौकीदार नहीं खड़ा होता। नहीं, अभी मेरी बोलने की बारी है गुरु, पहले ये जवाब दें, ये जवाब दें इन बातों का, इन बातों का कोई जवाब हो। तुमने और तो और जो नौकरियां भी थी
उनका ठेका भी अंबानियों को दे दिया, क्योंकि अंबानियों ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग जाके चाइना में करवाई, क्योंकि चाइना में सस्ता बनता है। हजारों लोग बेरोजगार के शिकार हो गए, हजारों लोग, करोड़ों लोग, 1,10,00,000 नौकरियां गई। तुमने कहा मेरी 8.2 GDP है और नौकरी 8.2 GDP में सिर्फ 8,00,000 पांच साल में, तुमने कहा था 2,00,00,000 एक साल में। और ये कैसे हो गया कि चाइना की GDP 6.2 है और चाइना 65 मिलियन जॉब दे रहा है पांच साल में, एक दिन में 35,000 नौकरी दे रहा है, और वो भी तुम वहां से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो। अरे कहां की राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी, देश को बांट रहे हो मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। फौज को तुमने इलेक्शन का जरिया बना लिया, मोदी जी की आर्मी। पहले आतंकी हमले होते थे तो हजूर इस्तीफे देते थे, शिवराज पाटिल साहब ने दिया, विलासराव देशमुख जी ने दिया। अब आतंकी हमले होते हैं तो तुम वोट मांगते हो, क्या ये तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है? आओ मोदी साहब मैदान में आके लोगों को भटकाओ मत, मुद्दों से परे मत करो, आके रोजगार की बात करो। न मंदिर की बात हो, न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है। पहले निवालों की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो, गरीब की रोटी की बात हो। ना राम मिला, ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। और आज मैं टंके की चोट पे आपको कह रहा हूं, तुझे फकीर कहूं या गंगा, तुझे भाषण वीर कहूं या दंगा। अरे तेरे रूप अनेक हैं भैया, तू बहरूपिया रंग बिरंगा। बहरूपिया हो, मुखौटा उतर गया है, पूरे ब्रह्मांड में शोर है, ये जमीन पे ही नहीं आकाश और पाताल में भी चौकीदार चोर है। मिसाइलों का तुमने ठेका इनको दे दिया है, जमीनें तुमने बेच डाली, बैंक तुमने लूट डाले, सरकारी कंपनियां तुमने बंद कर दी, और अब तुम राष्ट्रवाद की शरण में जाते हो। भक्तों को लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। मोदी जी ने खोद के निकाला हिंदुस्तान, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो संविधान रच दिया था अंबेडकर साहब ने, जब तुम चड्डी में थे मोदी साहब तो यान चले गए थे अंतरिक्ष में, भाखड़ा डैम बन गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई थी, व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई थी। बंद करो अपना कूड़ प्रचार और ना जाओ अब तुम शरण में राष्ट्रवाद के, क्योंकि तुम राष्ट्र विरोधी हो, राष्ट्रभक्त किसी तरह से भी नहीं हो तुम। भाई साहब ये बताएं कि राजीव गांधी ने